हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, मार्केट में जिस तरीके का प्रेशर बना हुआ है, जिस तरीके की अनसर्टेनिटी है, उसके चलते मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। दोस्तों, अभी इस वक्त अगर ट्रेडिंग करना है तो बहुत ही आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा, बहुत ही श्योर होना होगा, तभी आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। वरना मार्केट एक दो दिन अप रहता है, दो दिन डाउन रहता है, तो दोस्तों बहुत ही चौपी सेशन चल रहा है, तो ऐसे में ट्रेड करना काफी रिस्की है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो करेक्शन का मोड चल रहा है, ऐसे में एक ट्रेंड देखने मिला है कि पेनी स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे। दोस्तों, इस मार्केट जब प्रेशर में है तो पेनी स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है रिसेंटली, और मैंने लास्ट वीक में एक इम्पोर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी कि किस तरीके से पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग की जा सकती है। डेफिनेटली पेनी स्टॉक्स रिस्की है, लेकिन पेनी स्टॉक्स में सिस्टमेटिकली हम एक स्ट्रक्चर बना के उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और उससे अभी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं एवरी संडे को एक पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा, जिसमें कुछ पेनी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा ये पेनी स्टॉक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जब तक आप वीडियो देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये किसी भी बिगनर के लिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स के आपको नेचर को समझना जरूरी है, किस तरीके से उसका प्राइस में बिहेव करता है, किस तरीके से उसका प्राइस मूवमेंट देता है, वो सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। इसमें डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया मैंने, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है जरूर देखिए। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो अगर आपने नहीं देखा है। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको दोस्तों पेनी स्टॉक्स को ट्रेड करने के कुछ रूल्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, उनका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो भी स्टॉक्स आप चूज कर रहे हैं उसमें कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो जो स्टॉक आप चूज कर रहे हैं वो प्राइस अपने क्रूशियल लेवल्स के आसपास होना चाहिए, यानी कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टॉक आप चूज कर रहे हो उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आरएसआई उसका अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, प्रिफरेबली इन तीनों टाइम फ्रेम में, मंथली, डेली एंड वीकली। इसके अलावा जो भी स्टॉक आप चूज कर रहे हो उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के स्टॉक्स आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इन स्टॉक्स में आपको एंट्री और एग्जिट बहुत ही क्रूशियल होता है, कैसे करना होता है, कब करना होता है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको अपने ग्रीड और पेशेंस पे कंट्रोल करना होता है और सही लेवल्स का वेट करना होता है। जस्ट बिकॉज किसी ने यूफोरिया क्रिएट किया, किसी स्टॉक के बारे में आपके दोस्तों ने खरीदा इसलिए आपको नहीं खरीदना है वो स्टॉक, आपको राइट क्रूशियल लेवल्स पे एंटर करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे कमाने हैं, आपको अपनी पोजिशन साइजिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा। पोजिशन साइजिंग ही डिसाइड करेगा आप कितना तगड़ा प्रॉफिट कमाते हो, ये मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। आपको बेसिकली 1000 के मल्टीपल्स में खरीदना है, मिनिमम 1000, 2000, 3000 इस तरीके से पेनी स्टॉक्स जब आप ट्रेड कर रहे हो इतने क्वांटिटीज में आपको खरीदना है, तो ही आपको एक साइजेबल प्रॉफिट अमाउंट दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अब सीधे चलते हैं चार्ट्स पे। दोस्तों, आज का पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है सीकोजी। कंपनी का नाम है सीकोजी रियल्टर्स लिमिटेड और ये सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है, तो ये इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और स्टॉक का प्राइस करंटली ट्रेड कर रहा है 1.26 रुपीज पे, उसने क्लोजिंग दी है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि एक 5% का डाउनफॉल था, 5% गिरा था स्टॉक और लगातार दो दिन से गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैंने इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल बनाया है, इस लेवल को वो काफी टाइम से तोड़ने की कोशिश कर रहा है और तोड़ नहीं पा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था, यहाँ पे भी एक फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है स्टॉक। और इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब ये स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा दोस्तों फाइनली, तो ये डेफिनेटली आपको एक जबरदस्त मूव दे सकता है, लेकिन ब्रेकआउट होगा तब। तो क्या ब्रेकआउट हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस रिसेंट प्राइस एक्शन पे फोकस करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त 5-5% के आसपास की गिरावट हुई है, दो बड़ी रेड कैंडल्स आपको दिख रही है, वॉल्यूम्स में भी आपको रेड दिख रहा है, तो ये कोई पॉजिटिव संकेत तो यहाँ पे नहीं है। बट पॉजिटिव संकेत जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आप देख सकते हो, ये जो दो कैंडल बनी है यहाँ पे, उसके बाद की जो अगले दो दिनों की कैंडल, जो भले ही बड़ी रेड कैंडल हो तो आप उसे बेरिश कैंडल मानते हो, लेकिन आप इस चीज में अगर ध्यान दें, मतलब इस कैंडल के बाद अगले दिन की ओपनिंग जो थी वो गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद गैप फिल किया गया, उसके बाद अगले दिन भी दोबारा गैप अप ओपनिंग की गई और गैप फिल किया गया है।
और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नीचे के लेवल से उसे एक रिजेक्शन भी देता हुआ मिला। स्टॉक का प्राइस गैप अप हो रहा है, मतलब कुछ तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, कुछ तो पॉजिटिव न्यूज है, इसी के चलते गैप अप हो रहा है। लेकिन उसके बाद मार्केट नेगेटिव होने के कारण उसमें गैप फिल हो जा रहा है। एक दो दिन में डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक मूवमेंट देखने मिल सकता है। हो सकता है दोबारा एक बार गैप अप हो और इस लेवल को रिटेस्ट करे और गैप फिल हो, एक दो दिन यहीं पे कंसोलिडेट करके फिर ये स्टॉक आपको अपसाइड देता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो इस स्टॉक पे डेफिनेटली आप नजर रखिए, इस स्टॉक पे डेफिनेटली मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है, कुछ मूवमेंट आप मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस लेवल को जब वो तोड़ेगा फाइनली, और जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली चांसेस है, तो ये एक जबरदस्त अच्छा मूवमेंट आपको दिख सकता है और वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा जब आप इसमें ट्रेडिंग करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, ओनली इफ यू डू राइट पोजिशन साइजिंग। और आपको जो जो चीजें मैंने बताई है वो चीजों पर आप ध्यान रखो, कैसे इसमें एग्जिट करना होता है, कैसे इसको ट्रेड करना होता है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें, स्टॉक में RSI भी आप देख सकते हो राइजिंग है, 56 की RSI है अप्रोचिंग टुवर्ड 60, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आपको मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो, स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक वर्थ कंसिडरिंग है, जिसमें आप अच्छी पोजिशन साइजिंग कर सकते हो और इसमें प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी देख के ट्रेड लेके इसमें आप पैसा कमा सकते हो दोस्तों। मेरा काम उन पेनी स्टॉक्स को आपके सामने लाना या उनके सेटअप्स को लाना जिसमें ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हो दोस्तों। आप चाहे तो उसे सिर्फ वॉचलिस्ट में रख के ऑब्जर्व कर सकते हो और सीख सकते हो दोस्तों। सीखना भी बहुत जरूरी है, कमाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इस सेटअप के बारे में तो सिर्फ वॉचलिस्ट में रख के ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली आप में पोजीशन लेने के लिए सोचना चाहिए मंडे को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी भी बिगनर की जर्नी काफी डिफिकल्ट रहती है, और डिफिकल्ट इसलिए रहती है क्योंकि उसके पास सही नॉलेज, कॉन्फिडेंस, स्किल्स या पेशेंस नहीं होता। उसके अलावा उसे कोई प्रॉपर हैंड होल्डिंग या सपोर्ट नहीं मिलता, या उसे वर्केबल स्ट्रेटजीज की जानकारी नहीं होती, और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल टफनेस की कमी होती है दोस्तों। और हम भी आपकी तरह इस जर्नी से गुजर चुके हैं, इसीलिए हम आपकी इस डिफिकल्ट जर्नी में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपकी इस जर्नी को एंजॉयबल बनाना चाहते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग, जो कि हम एब्सोल्युटली फ्री करेंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लेना चाहते दोस्तों। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव और एफर्ट अच्छा लगता है तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, डीमेट अकाउंट ओपन करके अपस्टॉक्स में। अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। दोस्तों आज का सेकंड स्टॉक जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है उजास एनर्जी। एक एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, आप देख सकते हो ये NSE में भी लिस्टेड है। उजास इसका कोड है, उजास एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम है। स्टॉक ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो 3.85 रुपीज पे क्लोजिंग दी है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 4% अप था स्टॉक। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने क्रूशियल लेवल बनाया है स्टॉक का, इस लेवल को वो पिछले 3-4 बार तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं और तोड़ नहीं पाया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा वॉल्यूम देखने मिला है स्टॉक में, आप देख सकते हो यहाँ पे 2.16 मिलियन वॉल्यूम है, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है और इसमें एक अच्छी बाइंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और RSI भी आप देख सकते हो जस्ट क्रॉस 60, तो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है ये अगले सेशन में ये लेवल जरूर तोड़ेगा दोस्तों, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें एंट्री करने की। अगर नहीं भी मिले तो आपको इसमें ऑर्डर लगा के रखना है दोस्तों, डेफिनेटली चांसेस ज्यादा है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग होगी, तो आपको डेफिनेटली इस चीज को मिस नहीं करना चाहिए। हालांकि आप इस स्टॉक को अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखो, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ पिकअप हो रही है, बट ये एक लंबी रेस का घोड़ा भी हो सकता है। आपको इसमें लंबे समय के लिए आप इसमें बार बार एंट्री एग्जिट करते रह सकते हो, जब जब आपको ये सिचुएशंस मिलेंगी, जब जो मैंने आपको बताई बार बार जो क्रूशियल लेवल्स जब जब आपको दिखेगा टूटते हुए, आप उसमें एंट्री ले सकते हो। क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूँ लंबी रेस का घोड़ा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा जूम इन जूम आउट करें तो आप देख सकते हो इसमें काफी गिरावट हुई है स्टॉक में। हर एक जो हाई लेवल्स है ये उसके टारगेट्स हो सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक जो उसके हाई लेवल है ये उसके टारगेट्स हो सकते हैं, तो इन लेवल्स को धीरे धीरे अचीव कर सकता है। तो इस स्टॉक को आपको सिर्फ एक बार के लिए नहीं, आगे के लिए भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। जैसे जैसे हायर टाइम फ्रेम पे भी इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो ये सारे लेवल्स को धीरे धीरे अचीव करते जाएगा, तो उस हिसाब से स्टॉक मुझे परफेक्टली पॉइज लग रहा है, परफेक्टली पोजिशन लग रहा है। इस हफ्ते आप इसमें ट्रेडिंग में बेट कर सकते हो और इसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हो दोस्तों। आप क्या सोचते हो इस सेटअप के बारे में, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी कोई और ऑब्जर्वेशन है तो जरूर मुझसे शेयर कीजिए। दोस्तों यूट्यूब के अलावा आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां हमारी एक छोटी सी फैमिली है 1500 लोगों की। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं हम आपको रेगुलरली फ्री स्विंग ट्रेड कॉल्स देते हैं, जहां आप 7, 10 या 15 दिनों में मिनिमम 5-10-15% तक आप गारंटेड कमा सकते हो दोस्तों। अगर आप पेशेंस रखो तो आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो दोस्तों। और हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ कॉल्स पे डिपेंड रहे, इसलिए हम आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट भी प्रोवाइड करते हैं विद परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, जिसकी मदद से आपको समझ में आए कि जो भी हमने कॉल्स दिए हैं उसके पीछे के लॉजिक
टिप्स क्या है, और अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे साथ इंडिविजुअली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, जहां हम आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को पर्सनल अटेंशन देके आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये ग्रुप प्राइवेट है इसलिए आपको नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ही ज्वाइन होना होगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा अगर आप हमारे स्विंग ट्रेड कॉल्स की क्वालिटी को समझना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है जहां हम रेगुलरली हमारे मेंबर्स के लव अप्रिसिएशन रिएक्शन बेस्ट विशेस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे मेंबर्स के कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स भी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप हमें दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आज का तीसरा और आखिरी स्टॉक जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है AJR इंफ्रा, जिसका पूरा नाम है AJR इंफ्रा एंड टोलिंग लिमिटेड, और ये स्टॉक NSE में भी लिस्टेड है, BSE में भी लिस्टेड है। दोस्तों अगर स्टॉक दोनों में अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको NSE में कंसिडर करना चाहिए, और ये स्टॉक अपने लास्ट क्लोजिंग सेशन में 1.95 रुपीज पे क्लोज हुआ है। अब दोस्तों इस स्टॉक को क्यों मैंने चूज किया है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये स्टॉक जब ये लेवल पे था तब इसमें एंट्री करना बनता था, क्योंकि एक क्रूशियल लेवल को उसने यहाँ पे तोड़ा था, लेकिन जब ये एक्टिविटी हो रही थी तब मैंने ऑलरेडी ये पेनी स्टॉक की सीरीज नहीं की थी, तो उस कारण ये स्टॉक मैं आपको नहीं बता पाया था। लेकिन आज इस स्टॉक को चूज करने का रीजन कुछ और है, कि मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ इस स्टॉक को स्पेसिफिकली चूज करने का। मेरे पेनी स्टॉक के वीडियो में मैंने आपको बताया जब भी पेनी स्टॉक में कोई अच्छा बड़ा मूवमेंट आता है तो लगातार आपको एक एक्सपोनेंशियल मूव देखने मिलता है, आपको लगातार यहाँ पे सर्किट 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 देखने मिलता है, तो इस तरीके का जब गिरावट भी आती है तब एक एक्सपोनेंशियल मूव देखने मिलता है। अब आप इस चीज को रिलेट कीजिए, जब हम किसी बिगनर को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं हम कहते हैं कि प्राइस कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव होता है, तो जब मूव होता है तो मतलब चांसेस ज्यादा है कि वो ऑपरेटर एक्टिविटी है, इसीलिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, वरना हमेशा प्राइस इस तरीके से ट्रेंड में मूव होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है इस चार्ट पे, आप देख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप एक राइज आपको देखने मिला, उसके बाद एक फॉल देखने मिल रहा है, और अब दोबारा ये राइज कर रहा है, तो ये वो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये एक वेव्स में जो प्राइस राइड कर रहा है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगर आपको किसी पेनी स्टॉक में ऐसा मूवमेंट दिख रहा है तो ये कितना डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि ये स्टॉक आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव हो रहा, सर्किट नहीं लग रहा आपको, इस तरीके से मूव हो रहा है, तो जब जब ये ऐसा डीप आएगा तब आप इसमें एंटर कर सकते हो। अगर आपकी मूवमेंट यहाँ पे एंट्री मिस भी हो गई तो आप इस एंट्री पे आपको यहाँ पे पोजीशन लेने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे आपको पोजीशन लेने का मौका मिल रहा है, और ये भी वो मौका था जब आप ले सकते थे। लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ से भी निकल चुका है सर, आप क्या करें। आज ये स्टॉक चूज करने का स्पेसिफिक दो रीजन ये था, एक तो मेरे को आपको ये मूवमेंट समझाना था कि पेनी स्टॉक्स में भी आपको कुछ स्टॉक्स में ऐसे मूवमेंट देखने मिल सकते हैं जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि ये एक नॉर्मल स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है ये शायद ऑपरेटेड ना हो, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है ये भी ऑपरेटेड हो, लेकिन ये एक हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक नॉर्मल स्टॉक की तरह प्राइस मूव कर रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये उसका एक सबसे ऑल टाइम हाई लेवल है, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्ट होके, तो ये उसका एक ऑल टाइम हाई प्राइस है, जो पिछली बार इस लेवल से वो रिजेक्ट हुआ था और थोड़ा सा रिट्रेस करके दोबारा इस लेवल पे एक्जैक्टली उसी लेवल पे खड़ा है। अब कल का जो मूवमेंट है वो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि कोई नेगेटिव सेंटिमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो जिस तरीके की वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है, यहीं से रिट्रेस होता हुआ स्टॉक मुझे नहीं दिखता है। इसके अलावा RSI भी आप देख सकते हो 73 की RSI है, तो डेफिनेटली एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक, और अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के मंडे को इसके ऊपर ओपनिंग दे सकता है दोस्तों। डेफिनेटली आपको वहां पे एंट्री करने का मौका ढूंढना चाहिए। अब एंट्री करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, आपको ऑर्डर लगा के रखना है। क्या आपको अगर कुछ इस तरीके का कैंडल दिखता है तो डेफिनेटली मतलब सर्किट खुल रहा है, दोबारा कोई सेल कर रहा है तो दोबारा प्राइस नीचे आ रहा है, तुरंत अगर आपने ऑर्डर लगा के रखा होगा तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, तो डेफिनेटली आपको एंटर करने का मौका मिलेगा, वरना आपको ऑर्डर लगा के रखना, यू हैव टू ट्राई योर लक, डेफिनेटली मौका जरूर देता है स्टॉक जनरली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझाने थी दो पॉइंट से, जो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों को ये चीज। तो ये स्टॉक मेरा थर्ड स्टॉक है आज के लिए, इस वीक के लिए आप ट्रेड कर सकते हो इन पेनी स्टॉक्स में। तीनों ही स्टॉक और उसके सेटअप आपको कैसे लगे दोस्तों जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जानना चाहूंगा। और क्या आप लोग इस पेनी स्टॉक के ट्रेडिंग की सीरीज से कुछ सीख रहे हैं, क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है, क्या आप लोगों ने किसी भी स्टॉक में मेरे ट्रेडिंग ली है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर प्रॉफिट हुआ है तो रुपी डेफिनेटली बताइए, या इसके अलावा भी कोई और पेनी स्टॉक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइए, तो मैं जरूर उसको कवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट दिखेगी। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने एक मिनट में समझाने की कोशिश की, आपको उन्हें जरूर देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करिए।